व्हीकल नंबर प्लेट हमें चेंज करवानी होगी, तो राजस्थान सरकार ने एक नया नियम काट, आपको यहाँ पे दिख रही होगी नंबर प्लेट लगी हुई, और बाइक के आगे भी लगी होगी। बाइक के आपके पास कार है, टेम्पो है, थ्री टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, और हैवी और एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग ट्रैक्टर, उन सब की जो भी नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट, ये जैसे कि नंबर है नंबर सेम रहेंगे, लेकिन इसका जो भी कलर है जो कलर डिफरेंट हो जाएगा, जैसे डीजल, पेट्रोल और सीएनजी और अदर व्हीकल, इन सब के कलर डिफरेंट हो जाएंगे, इनकी जो नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट अलग हो जाएगी। जैसे कि आपके पर्सनल व्हीकल और टैक्सी की जो भी नंबर प्लेट चेंज होती है, उस हिसाब से बाइक की, कार की, ट्रैक्टर की और ऑटो सब की जो भी नंबर प्लेट है वो डिफरेंट होने वाला। चलिए इसकी जानकारी आगे देते हैं वीडियो में। दोस्तों व्हीकल नंबर प्लेट यानी कि अभी गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने एक रूल काढ़ा है जिसके अंदर व्हीकल नंबर प्लेट है जो कि हमें चेंज करवानी होगी, जो हमारे पास पहले थी वो उसे चेंज करवाना होगा, उस प्लेट को, उसका कलर भी हमें चेंज डिफरेंट मिलने वाला है, सेम कलर नहीं मिलने वाला। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, टू व्हीलर के लिए है 425 रुपये, और थ्री व्हीलर के लिए 470 रुपये, और फोर व्हीलर के लिए 695 रुपये, और मीडियम और हाई हेवी व्हीकल के लिए हैं 730 रुपये, और जो ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर है यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड है उसके हैं 495 रुपये। तो ये है, और कौन कौन से कलर से मिलने वाली है, तो हमें जो है कि डीजल से चलने वाले व्हीकल होते हैं उन डीजल से चलने वालों को ऑरेंज कलर की नंबर प्लेट मिलने वाली है, और जो कि लाइट ब्लू मिलने वाली है जो कि पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली है, और ग्रीन, ग्री, ग्रे मिलने वाली, ग्रे बैकग्राउंड की मिलने वाली है जो कि अदर व्हीकल है जो भी सब में आते हैं व्हीकल उन सबको मिलने वाली है, और उनमें एक है जो कि ग्रीन की पट्टी रहेगी वो सारे नंबर प्लेट के ऊपर स्थगित रहेगी। चलिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ बाइक नंबर प्लेट, तो मुझे बाइक की देखनी है या किसी और व्हीकल की देखनी है, मुझे तो टू व्हीलर की देखनी है, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा बाइक नंबर प्लेट, जो भी न्यू नंबर प्लेट किस प्रकार से जारी हो रही है, तो उस पर हम सर्च कर लेते हैं। हमने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आया कुछ साइडें खुल कर आई है, तो एक हमारे पास साइड आ रखी है आपको पता हो तो HSRP जो भी साइड है राजस्थान ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट डिपोर्ट की, इस साइड के ऑप्शन पर चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस साइड पर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऊपर हेडलाइन दी गई है, मैनर ऑफ इंस्टॉलिंग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP ऑन व्हीकल रजिस्ट्रेशन बिफोर 2019 बाई ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उसने जारी किया। तो नोटिफिकेशन भी दे रखे हैं, ऊपर दे रखे हैं 3 पॉइंट, उन तीसरे पॉइंट में 3 पॉइंट और दे रखे हैं, तो ये पॉइंट है आप पढ़ लेना, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है मैं आपको शॉर्ट में देता हूँ इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं ऑरेंज बैकग्राउंड यानी कि आपकी जो डीजल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको ऑरेंज कलर की जो भी नंबर प्लेट है वो लगने वाली, ऑरेंज कलर की नंबर प्लेट है जो कि सिर्फ डीजल की गाड़ियों में लगे। लाइट ब्लू बैकग्राउंड पेट्रोल और सीएनजी है उनके लिए ये नंबर प्लेट जारी करेंगे, जैसे ये टू व्हीलर के लिए ज़्यादातर होगी क्योंकि पेट्रोल टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में काम आता है। ग्रे बैकग्राउंड तो वह है अदर व्हीकल के लिए, जो भी व्हीकल है उन सब के लिए, और उसमें 1 सेमी की ग्रीन जो कि ट्रिप यानी कि एक पट्टी सी लगी होगी आपको दिख रही होगी इसके अंदर, वो पट्टी है जो कि सब में कॉमन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, बाकी टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर के लिए चेंज होने वाले। उसके नीचे लिखा है टू व्हीलर के लिए 425 रुपये आपको पे करना पड़ेगा जो भी GST सहित कितने आपको चार्जेस देने होंगे, थ्री व्हीलर के लिए 470 रुपये प्लस GST, फोर व्हीलर के लिए 695 रुपये प्लस GST इसके अंदर इंक्लूड रहेगी, और मीडियम और हेवी व्हीकल के लिए 770 रुपये, और ट्रैक्टर एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड 495 रुपये उनको देना होगा। और आपको यहाँ से नीचे देखो दिख रही होगी, तो इस हिसाब से आप ई मित्र या कहीं पे भी आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसमें जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो बाइक की, आपकी कार टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर उसके लिए उसकी डिटेल आपको मांगी जाएगी, वो डिटेल आपको भर के सबमिट कर देनी और आपको पेमेंट कट कर देना, तो आपकी जो भी नंबर प्लेट है वो न्यू जारी हो जाएगी।
तो दोस्तों मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया कि आप किस टाइप से और कौन सा इसमें प्रोसेस होने वाली है, जो भी जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे तो बता दिए हैं, और कौन सी साइड है, और आपको क्रोम ब्राउजर पे आप कहीं पे भी इस चीज़ को आप नोट ही डाउन कर सकते हो, यानी कि आप किसी चीज़ को देख सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन आपको अगर है तो आप ईमित्र से संपर्क कर ले, वहाँ पर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके व्हीकल नंबर और ये सब सारी डिटेल मांगेगा, और सारी डिटेल देने के बाद में आपको एक नई नंबर प्लेट जारी कर दी जाएगी, जिस पे ये कलर डिफरेंट कलर के साथ में ये होगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन था भाई क्या है क्या नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये राजस्थान सरकार या रोड राजस्थान सरकार रोड परिवहन नियम निगम नियम ने इस रूल को लागू किया है कि भाई आप जितने भी आपके पास व्हीकल है कितने लीगल और कितने इलीगल है, इसलिए री रजिस्ट्रेशन का साथ इसमें कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की फिर से आपको री जानकारी आपको वहाँ पे उन RTO को देनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, दी गई इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर जाना। धन्यवाद दोस्तों।